दोस्तों रोहित शर्मा के बाहर होते ही अगले दो मैच के लिए भारत के दोनों नए ओपनर हुए घोषित। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन से दो नए ओपनर भारतीय टीम ने घोषित किए, ये बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन और चाहते हैं कि भारतीय टीम इस सीरीज को आसानी से जीत ले, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या में फंस चुकी है। ऐसे में दोस्तों समस्या से निकलने के लिए भारतीय टीम को कई सारे और दौर से गुजरना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला भारतीय टीम जीत तो जाती है, लेकिन उस मुकाबले के दौरान भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल दोस्तों पहले मुकाबले में भारतीय टीम जीतती है और उस दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को हार मिलती है, और तीसरा मुकाबला सीरीज के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला था। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए जीत बहुत जरूरी थी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, फिर वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 164 रन बनाए, लेकिन उसके जवाब में भारतीय टीम ने 165 रन सिर्फ 19 ओवर्स में ही बना डाले और मुकाबले को आसानी से जीत लिया। पर दोस्तों ये मुकाबला जीत जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि इस जीत के बाद भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो झटका लगा रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गए और पूरी सीरीज से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नए ओपनर के तौर पर भारतीय टीम एक समय तो यहां पर सूर्यकुमार यादव को रखी रही, लेकिन दूसरा ओपनर कौन होगा? दरअसल दोस्तों दूसरे ओपनर के तौर पर ईशान किशन हो जाएंगे। ईशान किशन जो कि अभी भी वेस्ट पर बैठे हुए हैं, ऐसे में रेस्ट पर रहने के बाद वो टीम इंडिया में वापसी करेंगे और काफी अच्छा मेहनत करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईशान किशन जल्दी वापसी करेंगे या फिर नहीं। आपके हिसाब से क्या ईशान किशन वापसी करेंगे हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।